बोलते हैं कि नहीं, सॉरी बोलो, आप सॉरी बोलोगे तब मेरा मूड ठीक होगा। दिस इज द लाइफ ऑफ अ विक्टम, गुलामी की जीवन है ये, एंड ये सच ही नहीं है। यहाँ जो क्रिएट हो रहा है, इवन इफ आई गेट अपसेट, इवन इफ आई गेट एंग्री, आई ओनली हैव टू बी अवेयर हु क्रिएटेड इट, हु क्रिएटेड इट, आंसर, हु क्रिएटेड इट, आई, हु विल हील इट, आई, डिपेंड्स ऑल ऑन मी, पावर। ये पावर है कि रिस्पॉन्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मुझ पर। मेरी इमोशंस किस पर डिपेंड कर रही हैं, मुझ पर। मैं कैसा फील कर रही हूँ किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मुझ पर। दिस इटसेल्फ विल टेक इमोशनल हेल्थ टू 10। लेकिन अगर हमने सोचा सब कुछ डिपेंड कर रहा है दुनिया पर, तो दुनिया अगर मुझसे अच्छी तो मैं खुश, और दुनिया अगर मुझसे अच्छी नहीं तो मैंने कहा दुखी रहना तो नॉर्मल है। When we get emails from children, by children I would mean anywhere up to the age of 20-25, maximum emails are about a breakup in a relationship. Someone said they don't want to be with me, and the next line they will write, I don't feel like living. Someone just said they don't want to be with me, but my mind says I cannot live without them. ये किसकी creation है? ये सोच किसकी creation है? किसकी creation है? और एक बार मेरे मन ने कहा I cannot live without them, तो मेरा मन वो बात बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है, रोता ही जाता है, रोता ही जाता है, और फिर किसी दिन रोते रोते I can just do something to myself, only because I said in response to that situation, then someone chose. It's as simple as someone is choosing to get up and walk out of this hall. And if I say they insulted me because they walked out, Can I say they insulted me because they walked out? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? And I can go on. They insulted me, they insulted me, they insulted me. बीच में उठ के चले गए, they insulted me. Then I can live in pain for a very long time. And if I only look at it and say it was beautiful having them, it was nice. But if they've chosen to get up and walk out, इट्स देयर चॉइस। मजबूरी से तो किसी को रोक के रखना ही नहीं है वैसे भी, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा है? वन चॉइस, आई हैव टू हील माई सेल्फ। औरों का ध्यान बाद में रखेंगे, पहले अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम अपना ध्यान नहीं रखते तो अगर हमारे आसपास कोई दुखी होता है, हम उसको पता है क्या बोलते हैं? हम कहते हैं ऑब्वियसली यू विल बी इन पेन ना, दे वॉकड आउट। एंड हम उनको कहते हैं इट्स नेचुरल फॉर देम टू बी इन पेन, एंड वी इंडोर्स देयर पेन, एंड वी रेडिएट आर पेन टू देम, एंड वी ऐड टू देयर पेन। और फिर वो बच्चे घर पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स उनको देखकर और चिंतित हो जाते हैं, एंड दे ऐड मोर पेन एंड रेडिएट पेन, एंड देन टुगेदर एज फ्रेंड्स एंड फैमिली वी गिव देम मोर पेन देन वॉट दे एक्चुअली हैड। क्योंकि हम सब कहते हैं कि जब वो दुखी हैं तो हम भी तो दुखी होंगे। बच्चा दुखी है तो पेरेंट खुश कैसे हो सकता है, हमने कहा, तो हमने इकट्ठे मिलकर दुख क्रिएट किया, एंड व्हाट विल दैट डू टू दैट चाइल्ड। तो औरों का ध्यान तो बाद में है, पहले अपना ध्यान। और जब हम अपना ध्यान रखेंगे एंड हम अपने इमोशंस की क्रिएशन की जिम्मेवारी खुद लेंगे, चाहे कोई भी बात आ जाए, हम कहेंगे आई एम द क्रिएटर ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, एंड देन आई चूज वॉट टू क्रिएट, एंड वेन आई स्टार्ट डूइंग दैट इन लिटिल लिटिल सिचुएशंस इन लाइफ, एंड फिर सडनली जीवन में एक थोड़ी सी बड़ी सिचुएशन आ जाती है, आई से आई एम द क्रिएटर ऑफ वॉट आई एम फीलिंग एंड आई एम स्टेबल। लेकिन छोटी छोटी बातों में कहा दे हर्ट मी, दे हर्ट मी, एंड फिर कोई बड़ी बात आई तो ताकत नहीं बचती। तो ध्यान जीवन में बड़ी बातों में नहीं रखना है, ध्यान जीवन की छोटी 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 बातों में रखना है। ट्रैफिक में अटके, हमने कहा इरिटेट होना तो नॉर्मल है, ध्यान रखो।
वो इरिटेशन ही हमें एक दिन बहुत दूर ले जाएगा. दैट इज इमोशनल हेल्थ. आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स. नेक्स्ट 24 आवर्स, अभी 1 बजे से कल के 1 बजे तक, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड कुछ भी मतलब कुछ भी, सिर्फ 24 घंटे के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल रिमेन स्टेबल एंड रिस्पॉन्ड विथ स्टेबिलिटी. कौन कौन कर सकता है 24 घंटे के लिए? कैसे करेंगे? आपको तो ये भी नहीं पता बातें कौन सी आने वाली हैं अगले 24 घंटे में, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है. वो चॉइस किसकी है? मेरी. और जो काम हम 24 घंटे कर सकते हैं, तो फिर कल दोपहर को हम डिसाइड करेंगे कि हम थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर और कर लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये अंदर की बैटरी क्या हो जाएगी, और फिर सडनली कोई एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं. आपको भी बहुत सारी दुआएं, आप जहां जाएं हमेशा खुश रहें. आई एम हैप्पी. इट विल हर्ट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, ओके फाइन, बट आई कम बैक टू हीलिंग माई सेल्फ. आई कैन नॉट से आई कैन नॉट लिव विदाउट देम. लेकिन आई कैन नॉट लिव विदाउट देम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम रोज कहते हैं आई कैन नॉट लिव विदाउट माई कॉफी, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई फोन, आई कैन नॉट लिव विदाउट इंटरनेट. तो फिर हाउ विल आई लिव विदाउट? तो भाषा, वोकैबुलरी, सोचने का तरीका, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहना आई कैन नॉट लिव विदाउट. ये हमारे को कमज़ोर बनाती है, हमारे को गुलाम बनाती है उस चीज़ का. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना हम नहीं रह सकते. इन्जॉय योर कॉफ़ी, यूज़ योर फ़ोन, बट डोंट से आई कैन नॉट लिव विदाउट दैट. दैट मीन्स मैं उसका गुलाम. इमोशनल हेल्थ डाउन. यूज़ करें, इन्जॉय करें. चल रहा है बहुत अच्छा, नहीं चल रहा है कोई बात नहीं. ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट थोड़ा सा गोल गोल घूमता है और हम अंदर गोल गोल घूम जाते हैं. देन आई एम नॉट यूजिंग इट, देन इट इज़ यूजिंग मी. साधन हमारे लिए हैं, लेकिन साधन का हम पर अगर इफेक्ट होना शुरू हो गया, देन वी आर डाउन. लेकिन ये सब कुछ करना बहुत ईजी है अगर हम हर रोज़ थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर सही सोचने का तरीका. दिस इज़ वेयर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन टू लाइफ. हमने सोचा था कि मेडिटेशन के लिए कब जाना चाहिए, या तो अगर आपके जीवन में कोई ट्रेजेडी आ जाए तब जाओ, या फिर जब आपके जीवन की सारी जिम्मेवारियां खत्म हो जाएं और कुछ नहीं है बिल्कुल करने के लिए तब जाओ. जब जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए तब मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं है. तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग आई एम फाइन, देन तो चैलेंजेस ही कोई नहीं आने वाले हैं. लेकिन जब जीवन में बहुत कुछ करना है एंड उस हर सीन में जहां प्रेशर न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, उस हर सीन में मुझे डिनोमिनेटर को हाई रखना है, स्ट्रेस फैक्टर को लो रखना है, तो मुझे मेडिटेशन करना है. एंड मेडिटेशन मीन्स 20 मिनट्स विद माई सेल्फ इन द मॉर्निंग टू प्रिपेयर माई माइंड हाउ टू थिंक राइट इन एवरी सिचुएशन. तो कौन सी एज में करनी चाहिए? आप करेंगे? Ask yourself.